नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन हर फील्ड में बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके हमारे फील्ड में। ये इसका जो काम है वो है कि क्लाइंट का या गेस्ट का जितना भी कंप्लेन का जो चांसेस है उसको मैक्सिमम मिनिमाइज़ करना, क्लाइंट को जितना हो सके कंप्लेन आने का चांसेस को कम करना। कंसल्टेशन इसीलिए करते हैं, और जो भी कंसल्टेशन करते हैं उनका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है अपने कस्टमर के ऊपर, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो कंप्लेन आने के जो जो रास्ते हैं उसको हम मैक्सिमम कवर करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं कंसल्टेशन। कंसल्टेशन आज हम बात करेंगे, कंसल्टेशन क्या है, कंसल्टेशन कैसे करते हैं, कंसल्टेशन के फ़ायदे क्या है। तो पहला हो गया आपका कंसल्टेशन क्या है, तो तीन भाग में आज हमने डिवाइड कराया है। कंसल्टेशन क्या है, कंसल्टेशन कैसे करते हैं, कंसल्टेशन के फ़ायदे क्या है। कंसल्टेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्या चीज़ है, फिर भी एक और बार मैं आपको डेफिनेशन वाइज क्या है कि कंसल्टेशन एक क्रिया है या फिर एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं क्लाइंट के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को जानने के लिए, उनको क्या चाहिए, और मैक्सिमम कंप्लेन के चांसेस को कम करने के लिए हम कंसल्टेशन यूज़ करते हैं। कंसल्टेशन डेफिनेशन वाइज भी क्या होता है, किसी एक परिस्थिति में या फिर किसी एक कंडीशन में कुछ सर्विसेज आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, रिएक्शन होगा, कुछ और तरह के कंप्लेन वगैरह। तो कंसल्टेशन का मतलब यह है किसी एक परिस्थिति में या फिर किसी एक कंडीशन में कुछ सर्विसेज नहीं करनी चाहिए, यह है कंसल्टेशन। अब आते हैं दूसरे में, कंसल्टेशन कैसे करते हैं। कंसल्टेशन को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने कहा पहला है आस्क, लिसन और समराइज। आस्क, लिसन एंड समराइज, या ये तीन नाम है, ये तीन चरणों के नाम है, या फिर आप इसको एक और भाषा में इसको बोलते हैं, भाषा मतलब इंग्लिश में एक और तरीके से इसको बोलते हैं ओपन, इंगेज, क्लोज। सो ये तीन हिस्सों में बांटा गया है, आस्क, लिसन, समराइज, ओपन, इंगेज, क्लोज। ये दोनों एक ही है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दो अलग अलग नाम से कहते हैं। तीन चरणों का जो नाम है दो नाम से बोला जाता है, या फिर कोई और किसी और भी नाम से बोला जाता है, लेकिन बोल सकते हैं, लेकिन इसके तीन चरण हैं, तीन हिस्सों में कंसल्टेशन को बांटा गया है, इसमें आपको फॉलो करने में आसानी रहती है। सो कंसल्टेशन के करने के तीन चरण हैं। पहले चरण में हम करेंगे ग्रीट, उसके बाद इंट्रोडक्शन। कंसल्ट अपने क्लाइंट को ग्रीट करेंगे और इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कोई कस्टमर आ गया, आपके रिसेप्शनिस्ट ने आपको बुला के कस्टमर दिया, तो नमस्कार मैडम, या फिर हाय हेलो, जो भी आपके सलून में चलता है उस हिसाब से, नमस्कार मैडम, मेरा नाम राकेश शर्मा है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और आज मैं आपका सर्विस करने वाला हूँ, चलिए आइए। इस तरह से आप कंसल्टेशन देके कंसल्टेशन में ओपनिंग में ग्रीट करके इंट्रोडक्शन देके अपना पहचान देके नाम एक्सपीरियंस बताएंगे। आप चाहे तो नाम उनका पूछ सकते हैं, और ये मैनेजेबल है क्योंकि कोई कोई कस्टमर नाम बताने में झिझकता है, तो इसलिए कंपलसरी नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको हैंडल करेंगे। उसके बाद उनको कंफर्टेबली बिठाएंगे, ये है पहला चरण। बिठाने के बाद दूसरे चरण में हम आते हैं इंगेज में हम उनको सर्विस पूछेंगे,
या फिर रिक्वायरमेंट पूछेंगे उनको कि क्या चाहिए उनको एग्जैक्टली। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं सजेशन। सो दूसरे चरण में हम यहाँ पे ओपनिंग में ग्रीट करके इंट्रोडक्शन देके क्लाइंट को जबरदस्त क्लाइंट को कंफर्टेबली बिठाए, चाय पानी भी पूछ सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दोनों आराम से बैठने के बाद दूसरे चरण में। दूसरे चरण में आपको क्या है, सर्विस पूछना है। आप कस्टमर आए हैं तो उनको कोई ना कोई सर्विस तो जरूरी चाहिए, तो सर्विस पूछेंगे या उनका रिक्वायरमेंट पूछेंगे, मैम क्या चाहिए, सर क्या चाहिए, हेयर कट चाहिए तो कैसा चाहिए, कलरिंग चाहिए तो कौन सा चाहिए, इस हिसाब से सर्विस पूछेंगे क्या चाहिए उनको। उसके बाद सपोज़ उन्होंने कोई भी सर्विस बोला तो आपका सवाल जो होगा उस सर्विस के अनुसार आप सवाल करेंगे उनसे, या फिर वो भी कर सकती है, क्वेश्चन एंड आंसर भी हो सकता है। ये सिर्फ क्वेश्चन मेंटेन किया है। तो सर्विस जैसे कि उन्होंने हेयर कट, मुझे आपको क्या चाहिए मैम, हेयर कट चाहिए, आप हेयर कट कैसा चाहिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी तरह सर्विस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन तीसरे में, सर्विस पूछेंगे, रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उसके अनुसार आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे। और ये कन्फर्म होने के बाद सर्विस क्या लेना है, आपने सवाल पूछ लिया, उसके बाद आपने माइंड में बिठा लिया कि ये सर्विस दे सकते हैं, ये मैम का ये रिक्वायरमेंट है तो ये सर्विस अच्छा रहेगा मैम के बालों के लिए, या फिर हेयर कट में ये हेयर कट अच्छा लगेगा, इस तरह से सोच के आपने माइंड सेट कर लिया है। आप जो सर्विस आपने सोचा है उनके लिए अच्छा रहेगा उसको आप सजेस्ट करेंगे, इसलिए चौथे नंबर पर इसको मेंशन किया गया सजेस्ट। सो ये चारों पॉइंट इंगेज में या फिर लिसन में कवर होते हैं। बीच में आप सर्विस पूछेंगे, रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो भी सर्विस आपको सही लगता है वो सजेस्ट करेंगे दूसरे हिस्से में। तीसरे चरण में हम इसको कंसल्टेशन को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, जो आपने सर्विस यहाँ पे सजेस्ट किया है, जो आपने सर्विस जो भी उनके लिए अच्छा रहेगा सजेस्ट किया है उसको कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म सर्विस, सर्विस को कंफर्म करेंगे जो आपने सजेस्ट किया है, मैम मैं ये सर्विस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बेनिफिट, उस सर्विस का बेनिफिट क्या है, जैसे कि कोई स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपने स्ट्रेटनिंग सजेस्ट किया तो आपने मैम आपका मैं स्ट्रेटनिंग सर्विस करने जा रहा हूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा, मैम आपके बाल सीधे हो जाएंगे, सॉफ्ट सिल्की शाइनी स्ट्रेट स्मूथ हो जाएंगे, ये इसका बेनिफिट है। सो सर्विस वाइज इस तरह से बेनिफिट भी होता है सर्विसेज का। तो सर्विस कंफर्म करने के बाद सर्विस का बेनिफिट उनको बताएंगे। उसके बाद ड्यूरेशन, अब ये स्ट्रेटनिंग करने के लिए आपको कितना समय चाहिए वो समय हम मेंशन करेंगे, लेकिन जो भी समय आपका जो है लेते हैं उससे 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा ही बोलिए, ये मेरा सजेशन है। सो तीसरे चरण में ओपन किया, इंगेज किया, उसके बाद क्लोज कर रहे हैं। क्लोज में कंफर्म सर्विस, बेनिफिट, ड्यूरेशन मतलब कितना समय लगने वाला है ये बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे लास्ट में प्राइस। तो ये है तीन चरण आपके कंसल्टेशन के। पहला आस्क, लिसन, समराइज, ओपन, इंगेज, क्लोज, दोनों एक ही है। तीन चरणों में ओपनिंग में ग्रीट, इंट्रोडक्शन, फिर कंफर्टेबली बिठाने के बाद सर्विस पूछेंगे, रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये सब होने के बाद आपका जो सही लगता है वो सर्विस आप सजेस्ट करेंगे। तीसरे में कंसल्टेशन को क्लोज करेंगे कि मैम मैं ये सर्विस कर रहा हूँ आपका, उसका बेनिफिट ये है, उसमें टाइम इतना लगेगा और प्राइस इतना लगेगा, टैक्स विदाउट टैक्स जो भी है, तो ये कन्फर्म कर देंगे। तो कंसल्टेशन जो है इस तरह से किया जाता है। तो इसके बीच में भी आपको एक बात मैं बता दूं कि कंसल्टेशन के जो सवाल है, जो क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, वो बदलते रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रोसेस भी बदल सकता है, लेकिन कंसल्टेशन कोई भी सर्विस का हो, चाहे स्पा का हो, चाहे स्ट्रेटनिंग का हो, चाहे कलरिंग का हो, कुछ भी का, किसी भी चीज़ का कंसल्टेशन हो, आपका हमेशा ओपन और क्लोज, ये दोनों के जो पॉइंट्स है वो फॉलो करने हैं, वो सेम रहेंगे। ओपनिंग में आपको ये करना ही है,
और एंड में किसी भी सर्विस का किसी भी कंसल्टेशन का एंड में ये चार पॉइंट बताने ही हैं। कंप्लेन अवॉइड करने के काम आता है, क्योंकि यूजुअली कंप्लेन आता है सर्विस रिजल्ट में, रिजल्ट आप कंफर्म कर देंगे बेनिफिट बता के, टाइम में क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, कभी कभी क्लाइंट कंप्लेन करता है, और प्राइस में यूजुअली इसमें कंप्लेन आता है। तो इसमें आपको चार में कंप्लेन कंफर्म करना ही है। लेकिन ये बीच का जो इंगेज और लिसन पार्ट है, इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्यों? वो सर्विस पर डिपेंड करता है। स्पा का आपने स्पा का कंसल्टेशन कर रहे हैं तो आप स्कैल्प वगैरह चेक करेंगे, कोई जुए हुए नहीं, कोई गंदगी तो नहीं, उसी हिसाब से आपका सवाल भी होगा, पहले कोई कराया क्या मैम स्पा, क्या आप घर में शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं, जो भी आपका सवाल है। तो स्पा में एक सवाल होते हैं, वही जगह कोई रिबॉन्डिंग का क्लाइंट आ गया तो उसमें थोड़ा प्रोसेस, स्ट्रेटनिंग स्मूदनिंग का कस्टमर आ गया तो उसमें थोड़ा प्रोसेस और सवाल भी अलग हो जाते हैं, ये आप समझ सकते हैं। स्मूदनिंग का आ गया तो आप बालों में मेहंदी है या नहीं चेक करोगे तो प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया, घाव वगैरह चेक करोगे, बालों का स्ट्रेंथ चेक करोगे, बाल कितने मोटे हैं ये चेक करोगे, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग अलग हो जाता है। हर कंसल्टेशन में ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहेगी, ये आप अपने आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही होता है। फिर भी अगर आप लोग कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं किसी डेडिकेटेड सर्विस पे, या फिर सिर्फ स्पा सर्विस का ही आप मुझसे कोई कंसल्टेशन प्रॉपर चाहते हैं कि किस तरह का सवाल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कलर करते हैं तो रिबॉन्डिंग करते हैं तो किस तरह का सवाल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अगर आप कुछ उस तरह का डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दें, मैं वैसा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हर एक सर्विस के लिए किस तरह के सवाल होने चाहिए ये सब डिटेल में आपको दूसरा वीडियो ला दूँगा। तो ये था कंसल्टेशन कैसे करते हैं। इस बीच में हमने तो कवर कर लिया कि मैक्सिमम जो कंप्लेन आने के बाद है वो आपने कवर कर लिया, प्राइस का अभी ये कंफर्म होने के बाद प्राइस का कंप्लेन नहीं कर सकता, ड्यूरेशन टाइम का कंप्लेन नहीं कर सकता, रिजल्ट का कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कंप्लेन आने के चांसेस है किस में, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कुछ पॉइंट्स दबा दिए उसका रिएक्शन, तो उसके लिए भी एक चीज़ फॉलो करनी है आपको इसके साथ में, वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। वो भी इतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो भी कुछ उसमें भी कुछ पॉइंट्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जो कंप्लेन आने का चांसेस है वो 99% नहीं होगा, नहीं आएगा कंप्लेन, क्योंकि आपने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिया है। मैं यहाँ पे 99% मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 1% मैंने छोड़ा है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। तो 99% हमने कवर करने के लिए, ये तो कंसल्टेशन के तीन हिस्से थे। उसके बाद एक आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये पहले इंडिकेशन देने का काम करता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट में जाएंगे, अगर रेड लाइट जहां दिखा रहा है आप वहां पर ज़बरदस्ती घुस जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो इस तरह से कुछ बातों को ये पहले से आगाह कर देता है, आपको सतर्क कर देता है कि आप उस रास्ते जा रहे हैं तो कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कुछ इसमें पॉइंट्स है, इसको भी फॉलो करें उसके साथ साथ। ये आप सर्विस जब कंसल्टेशन करेंगे टेलकॉम से बाल हटा हटा के आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन में दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टेजियस, एक होता है नॉन कंटेजियस। कंटेजियस जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले जो बीमारियां होती है उसको बोलते हैं कंटेजियस। होते हैं फैलने वाला होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला होता है, ट्रांसफ़र होने वाला होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, सलून के लिए हाइजीन का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो हाइजीन में भी इशू आएगा, कंप्लेंट आपके रिएक्शन कंप्लेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है, रिंग वॉर्म। सो कॉन्टेजियस में जो पहला पॉइंट्स आता है वो है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म दांत खात को बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे उतना पता नहीं, प्लीज़ आप देख लीजिए। रिंग वॉर्म इस तरह के होते हैं ग्राउंड का, वो फैलने वाला होता है इसलिए इसको मेंशन किया गया है, तो वो भी आप चेक करेंगे रिंग वॉर्म। उसके बाद आता है आपका स्कैबीज। स्कैबीज कुछ
पूरा शरीर में फैला हुआ दाना दाना टाइप में होता है, वो भी फैलने वाला होता है। वो बंदा कुछ भी चीज़ छुएगा और उसको आप छुएगे, फिर उस चीज़ को कोई और छुएगा, आपको कोई और छुएगा, तो इस तरह से फैलता जाता है। ये फैलने वाला है, ये हाइजीन पर्पज़ से भी फॉलो करते हैं, तो स्कैबीज है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ कंटेजियस और नॉन कंटेजियस में, प्लीज़ आप लोग जाके गूगल में एक बार ये सारे वर्ड मेंशन करके वो चीज़ कैसे दिखती है, वो घाव वगैरह जो मेंशन करने वाला हूँ वो कैसा दिखता है, आप एक बार तस्वीरें देख ले ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो चेक करते वक्त। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उतना बजट नहीं है अभी मैं आपको ख़रीद के दिखा सकूँ, बाद में देखी जाएगी। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट स्कैबीज। थर्ड में आपका आता है स्किन डिजीज़, चर्म रोग। स्किन डिजीज़ या फिर चर्म रोग, स्किन डिजीज़ भी फैलने वाला ही होते हैं। स्किन डिजीज़ कई तरह के होते हैं, आप इसको भी चेक कर लें। और उसके बाद आता है जुए वगैरह, लाइज एंड नाइट्स। लाइजन है, जुए वगैरह होते हैं किसी किसी के पास, बहुत सारे अजीब सा एक जुआ चिपकाया रहता है, निकलता नहीं है, वो सब भी हाइजीन पर्पज़ से, ये भी फैलने वाले हैं, आप उनको छोड़ोगे, ये मतलब हाइजीन पर्पज़ से भी है, फैलता भी है, इसीलिए इसको भी चेक करते हैं। सो इसमें क्या होने के चांसेस है, ये आपका फैलेगा, एक तो ये पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये फैलेगा, हाइजीन पर्पज़ से भी सही नहीं है, दूसरा क्या होगा, आप इसके ऊपर सडन केमिकल डाल दिए, तो केमिकल नहीं डालेंगे, नहीं टच करेंगे तो भी आसपास ही रहेगा, स्कैल्प के रूट के आसपास रहेगा, तो उसका जो केमिकल का जो भाव है, भाप से इसमें जब टच होंगे तब उसमें कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, और वो रिएक्शन बड़ा या छोटा या बहुत बड़ा हो सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए खास करके केमिकल सर्विस में ये सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। फिर आते हैं नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस में जो है फैलता नहीं है लेकिन रिएक्शन आ सकते हैं, जैसे अभी मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेगनेंसी, गर्भित महिलाएं। सो प्रेगनेंसी में क्यों इसमें मेंशन किया गया है, ये तो फैलने वाला चीज़ नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इसको मेंशन किया गया है कि इस कंडीशन में हम मसाज नहीं दे सकते। आपके पास हेड मसाज के लिए आया तो ये कंडीशन आप देखोगे, हार्ट कंडीशन देखोगे, क्योंकि इनमें इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम जो महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं इस टाइम पे बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन होते रहते हैं उनके अंदर, तो उस वक्त अगर आपने मसाज करते वक्त कुछ पॉइंट्स जो आप जानते नहीं हैं, सर्टेन पॉइंट अगर आपने दबा दिया तो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, उनके बच्चे को भी हानि हो सकती है, उनको भी हानि हो सकती है, अटक भी सकते हैं, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये भी इसमें नॉन कंटेजियस में मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है हार्ट कंडीशन। हार्ट कंडीशन या बीपी, हार्ट कंडीशन दिल की बीमारी या फिर बीपी, ये भी पूछ लेंगे मसाज से पहले तो बेहतर है। इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें कुछ एलर्जी वलर्जी तो नहीं होंगे लेकिन इसमें रिएक्शन हो सकता है सर्टेन पॉइंट दबाने से, तो मसाज करते वक्त ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है, ये होने के बाद वुंड एंड ब्रशेस, घाव वगैरह, घाव और जो कटा छीला होता है इसमें जो है वुंड एंड ब्रशेस, घाव वगैरह कटा छीला वगैरह होता है उसमें आप केमिकल डाल देंगे कुछ रिएक्शन होगा, इसलिए इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है सोराइसियस। सोराइसियस सॉरी सोराइसियस फोर्थ में आता है सोरायसिस। सोरायसिस भी एक पूरा फैला हुआ होता है, सूखा चमड़ी जैसा दिखता है, वो फैलता नहीं है लेकिन फिर भी हाइजीन पर्पज़ से सही नहीं है, उसके ऊपर कोई केमिकल डल गया तो उसमें भी रिएक्शन हो सकता है, और ऑब्वियसली उस पर आप मसाज नहीं दे सकते क्योंकि आपको भी तो थोड़ी सी घृणा होगी,
तो इसी वजह से इसको भी फॉलो करें। इसमें जो भी पॉइंट मेंशन किए हैं उसको भी आप एक बार नेट में जाके देख लीजिए बेहतर आइडिया के लिए, और इसको फॉलो करें। इसके साथ कंसल्टेशन के साथ आप इसको फॉलो करेंगे तो 99% जो कंप्लेन आने का चांसेस है वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए। जब आपने प्रॉपर कंसल्टेशन किया, आपने प्राइस मेंशन किया उसका कंप्लेन नहीं आ सकता, टाइम मेंशन किया उसका कंप्लेन नहीं आ सकता, सर्विस का रिजल्ट कैसा होगा वो मेंशन किया उसका कंप्लेन नहीं आ सकता। उसके अलावा जो कंप्लेन आने के चांसेस थे वो थे रिएक्शन, उसको भी आपने यहाँ पे कंप्लेन कर लिया, यहाँ पे आपने कवर कर लिया। आप पहले ये वगैरह हटा के जहाँ पे आपको काम करना है, बाल वगैरह हटा के टेल कॉम से आप ये सारे, कोई कंडीशन तो नहीं है आप देख लेंगे, देखने के बाद अगर नहीं है तो ठीक है तो आप मना कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे मैम हाइजीन पर्पज़ भी हो जाता है, और इसके ऊपर कोई केमिकल डालेंगे तो रिएक्शन कैसा भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, रिएक्शन छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे वो कंप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया ये सारी बातें। तो कंप्लेन इस तरह से एकदम ही आने का चांसेस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो इस लास्ट, इसका जो हम आज का एपिसोड, आज का टॉपिक का लास्ट में आ चुके हैं, हम लोग बात किया कंसल्टेशन क्या है, कंसल्टेशन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी समझ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं कंसल्टेशन के फ़ायदे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ शायद फ़ायदे, तो फिर भी कंसल्टेशन के देखिए सर आप दोस्तों, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ है नहीं। सबसे पहला फ़ायदा आपका होगा कि आप जब एक प्रोफेशनल तरीके से उनको हैंडल करते हो, वो जाते ही चाहे वो पुराना हो नया हो तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनको। अगर प्रोफेशनली आप बिना काम शुरू किए, शुरू करने से पहले ही सर्विस के बारे में इतने क्वेश्चन जो भी है आपका हिस्टोरी आप जब जानोगे, उनसे पूछोगे प्रोफेशनल तरीके से, तो आपका जो इम्प्रेशन है आपके क्लाइंट के साथ, क्लाइंट में बहुत अच्छा जम जाता है, बहुत अच्छा इम्प्रेशन आप छोड़ते हो क्लाइंट के ऊपर, एक तरह से विश्वास जीत लेते हो उनका। ये एक फ़ायदा है, विश्वास जीतने से आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, आप सेलिंग करते हो कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। तो अगर उनका आपने विश्वास जीत लिया तो आपको सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने में आसानी रहती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको उनका विश्वास जीत लिया है। तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर दिखते हो और अपना एक गहरा इम्प्रेशन छोड़ते हो, और इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बाद जो फ़ायदा है कि मेनली कि इसमें कंप्लेन आएगा ही नहीं। उस टाइम में मैंने बोला था कि 99% में मेंशन कर रहा हूँ, 1% इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि 1% में कभी क्या होता है, इसमें तो मैक्सिमम पॉइंट हमने मेंशन कर लिया। ये फॉलो करेंगे तो फिर भी कंप्लेन आने का था भूल ही जाओ, फिर भी कभी कभार आ सकता है। उसमें किस कंडीशन में आ सकता है, उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी जो है हमारा और क्लाइंट का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, हमारे जो वार्तालाप है हम बस जोश जोश में बिजनेस के चक्कर में हाँ हाँ तो बोल देते, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट नहीं समझते, हम लोग सिर्फ सुनते हैं समझते नहीं, या फिर हम हेडरेसन नहीं समझते, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझते, इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। सो ये कई बार हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस ले लेता हूँ मैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। होता क्या है कि एक क्लाइंट आया, क्लाइंट आने के बाद उन्होंने मांगी रेड कलर। अब क्या है, आपको एज अ हेयर ड्रेसर पता है रेड कलर कई प्रकार के होते हैं, लाइट रेड, डार्क रेड, ये वो इन बिटवीन सब होता है, लाइट रेड, डार्क रेड, फिर ना बीच वाला रेड, जो भी आपका रेड एक वो है, लाइट टू डार्क जाता है। तो अभी जो कस्टमर ने मांगा है आपको रेड, वो रेड कहीं और देख के आया, कैसा रेड देख के आया पता नहीं, उन्होंने आते ही आपको रेड मांगा, तो आपके दिमाग में फटाक से रेड गया, तो आपके पास जो रेड है आपने वही उठा के रेड लगा दिया। इसमें क्या होता है कि कभी कभार रिजल्ट आने के बाद कस्टमर बोलती है ये नहीं, ये तो मुझे दूसरा रेड चाहिए था। अब उन्होंने जब सोचा था तब हो सकता है लाइट रेड हो, आपने जो डाला है डार्क रेड। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से जो कंप्लेन आते हैं, इसलिए इसको 1% गैप में रखा है मैंने। है तो बहुत रेयर केस, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको भी समझ ले तो और सही रहेगा। सो ये बेटर है कि जब आप कंसल्टेशन करते हो जितना हो सके डिटेल में करें, और जितना हो सके कलर वगैरह का जो भी है, कटिंग वगैरह का फ़ोटो देख के आप लोग सेम पेज में रहे तो बेहतर है।
मैक्सिमम 100% कंप्लेंट अवॉइड करने के लिए। और बाकी जितना मैंने यहाँ तक आपको सिखाया है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके विचार है बता दीजिए, इनमें इसमें तो आपका 99% कंप्लेंट आएगा ही नहीं। तो यहीं तक थी कंसल्टेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो मुझे इंकरेज करने के लिए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे अपना थॉट्स बताएं। थैंक यू, नमस्कार।